के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में उपस्थित जिले के कृषि विभाग के मुखिया उप कृषि निदेशक महोदय, इस के वीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जेवी सिंह साहब, भूमि संरक्षण अधिकारी सहयोगी हमारे साथी भूमि संरक्षण अधिकारी, और पीटीओ साहब पब्लिक एसडीओ साहब, और हमारे इस जिले के समस्त एफपीओ गण, उसके सीईओ और अन्य सदस्यगण, डायरेक्टरगण और प्रगतिशील किसान, सभी लोग का इसमें स्वागत है। सर्वप्रथम हम लोग फसल प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मिलेट का जो उत्पादन है एफपीओ के थ्रू किस तरीके से करें उसके बारे में चर्चा करेंगे, एवं अन्य ज्वलंत जो टॉपिक है उस पर हम वार्ता करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है रबी का इस समय कटाई का लगभग समाप्ति की तरफ है, और रबी सीजन का हम लोग गेहूँ, चना, मटर, सरसों, इसकी बुआई बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। हम जब अपना गेहूँ की धान की कटाई कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे कंबाइन से अवशेष बनते हैं उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हमारे जो जेवीके के वैज्ञानिकगण हैं उनसे हम और विस्तृत जानकारी इसमें लेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हम उसके फसल अवशेष को ना जलाएं, डी कंपोजर का इस्तेमाल करें जिससे कि उसमें अवशेष को हम सड़ा सकें और अगली फसल के लिए उपयोगी बना सकें। फसल अवशेष, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जलाने से मृदा का स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों ही उसमें हानि है, नुकसान है। इस संदर्भ में एनजीटी ने गाइडलाइन भी जारी किया है कि अगर हम उसके बाद भी अगर प्रबंधन नहीं करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसके लिए अर्थदंड एवं अन्य दंड का प्रावधान किया गया है। हम सभी एफपीओ प्रगतिशील किसान गण जो हमारे हैं, आपके माध्यम से ये किसान भाइयों पे जाए, उनका उनके तक पहुँचे कि हम फसल अवशेष को ना जलाएं, उसके लिए डी कंपोजर का इस्तेमाल करें, उसकी जुताई करें और यूरिया का प्रयोग करके, छिड़काव करके, उसको सड़ा करके उसका प्रबंधन हम लोग करें। उसके साथ साथ विभाग से जो प्रबंधन के लिए यंत्र का भी प्रावधान है, जो टोकन के माध्यम से किसान भाइयों को दिया जाता बेलन है, इसका उपयोग कर करके हम लोग उसको जितने अवशेष हैं उसको एक ड्रम के तरीके से बना करके उसको बेचा जा सकता है। हमारे गौशाला हैं, निराश्रित गौशाले अस्थाई जो बने हुए हैं, वहाँ पे हम अपने पराली को दान कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको हम ना जला करके उसका प्रबंधन करें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे भी ए के सिंह, डॉक्टर ए के सिंह साहब देंगे, और प्रशिक्षण ये चलता रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपके विजिट है कल से, उस विजिट में सद्भाग करेंगे। धन्यवाद। इसी टॉपिक पे आप ले लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।